वेलकम टू भुक्कड़ व्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि आपको इतना लंबा वक्त वेट करना पड़ा रेसिपी के लिए, बट हम लोग आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक एक्साइटिंग और सुपर्ब रेसिपी लेकर। इसका नाम है स्पाइसी टैंगी चिकन करी। इसे बनाना बहुत आसान है, आपका कम वक्त इसे बनाने में लगेगा और आप अपने फैमिली के साथ इसे ज़रूर इन्जॉय कर पाएंगे। हमने इसमें बहुत ही बेसिक इन्ग्रीडियंट यूज़ किए हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल होते हैं। 750 ग्राम्स ऑफ चिकन विथ बोन, 5 से 6 हरी मिर्ची, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिकन करी मसाला, 250 ग्राम दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 टमाटर मीडियम साइज, 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज। अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन के अंदर दही ऐड कीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 4 से 5 हरी मिर्चियाँ, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसे 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए। प्याज और टमाटर को छोटे टुकड़े में काट लीजिए। अब हम चिकन करी बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाल लीजिए, आधा चम्मच से भी कम जीरा डालिए, जीरा पूरी तरह से ऑप्शनल है। उसके बाद उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालिए और गोल्डन ब्राउन होने तक उसे पकाइए। फिर उसमें डालिए 1 हरी मिर्च। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। दो से तीन मिनट के बाद इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कीजिए और ऐड कीजिए इसमें आधा चम्मच नमक ताकि टमाटर जल्दी गल सके। अब गैस स्लो करके इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और कम से कम 3 से 4 मिनट तक टमाटर को गलने के लिए छोड़ दीजिए। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तो उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। हम इसमें और मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी मसाले इस्तेमाल किए हुए हैं। अब इसमें ऐड कीजिए मैरिनेटेड चिकन और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद 3 से 5 मिनट के लिए तेज आंच पर इसे ढक्कन लगाकर पकाएं। फिर इसके अंदर डालिए आधा चम्मच नमक, हमें आधा चम्मच नमक ही डालना है क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला हुआ था। इसे फिर से 3 से 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम आंच पर पकाएं। अब बारी है इसके अंदर 1 चम्मच चिकन मसाला ऐड करने की। चिकन मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इसमें ऐड कीजिए 1 से 1.5 ग्लास पानी और कुकर का ढक्कन लगा के लगभग इसके अंदर 2 से 3 सीटी लगाकर इसे पका लीजिए। चिकन ऑलरेडी पक चुका है तो ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं। तो तैयार है आपका स्पाइसी टैंगी चिकन करी। आप इसे रोटी के साथ या राइस के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस रेसिपी को लेकर आपके कोई भी सजेशन फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो और हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग रेसिपीज ऑन भुक्कड़ व्लॉग्स।